हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आल एजुकेशन में। तो आज हम बात करें नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप गोरखपुर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीबी हो चुका है और बहुत से लोगों का ज्वाइनिंग का इंतजार है कि मेरा ज्वाइनिंग लिस्ट कब तक आएगा। तो चलिए इसके बारे में अभी हम आपको लास्ट में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सा अपडेट यहाँ पर आया है, जो कि वेटिंग लिस्ट के बारे में आया है। यहाँ पर देख सकते हैं 27/5/2020, मतलब आज ही की डेट में निकाला गया है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। पीडीएफ में आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बैठेगा और वीडियो को लाइक, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए यहाँ पे दिया गया पार्ट डीबी कैंडिडेट फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2019-20। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसको हम डाउनलोड करके रखे हैं। चलिए आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लोग डीबी के लिए जा सकते हैं और डीबी का डेट क्या है और ज्वाइनिंग कब तक होगा, इसके बारे में भी अभी आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए जो ये लिस्ट आया है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोगों का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, इनरोल नंबर दिया गया है, और कैंडिडेट नाम दिया गया है, और फादर नेम दिया गया है, और कैटेगरी जो दिया गया है उसके बाद से डीबी का डेट दिया गया है 26/2/2020, और टाइमिंग दिया गया है, और टीम दिया गया है, और यहाँ पे ट्रेड दिया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दें कि यह दिया गया है उन्हीं लोगों को, ये केवल EWS लोगों को जो EWS में आते हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि रिजर्वेशन का जो 5% का आया है गवर्नमेंट का रूल है, उस पर आपको यहाँ पे उसको फुल करने के लिए फिर से एक लिस्ट निकाला गया था। जो लोग EWS से आते हैं वो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी हम आपको बताएंगे कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। देखिए इसमें तो पहले आपको यहाँ पर EWS जो आते हैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, और जिनका इसमें नाम है उनको क्या क्या लेकर जाना है यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंट कापी लेकर जाना है, एप्लीकेशन का, हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना है, ओरिजिनल फोटो कापी सबको लेकर जाना है, ITI का मार्कशीट ओरिजिनल और फोटो कापी। उसके वजह से मेडिकल फॉर्मेट दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर है उस अपलोड है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको उसको सब कुछ मुहर और लगवा के लेकर जाना है। उसके बाद से यहाँ पे वैलिड आइडेंटिटी फोटो चाहिए, जो आईडी कार्ड होता है आपका। उसके बाद से यहाँ पे टू लेटेस्ट फोटो चाहिए, और उसके बाद और 7 नंबर में दिया गया जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर रिजर्व आपको मिलता है उस सब आपको लेकर जाना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिजिकली इंडिकेट है वो आ गया, एक्स सर्विसमैन में आते हैं वो सब आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटो कापी जो लोग इससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद से नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। और चलिए हम बात कर लें कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। ज्वाइनिंग देखिए कहीं ना कहीं अब इसके हिसाब से पता चलता है कि लास्ट यही डीबी का है, इसके बाद से आपका फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट आएगा। और कब तक आएगा कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 26 मतलब आपका जून से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद से अब डीबी हो जाएगा आपका, यहाँ पर लास्ट डीबी डेट आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो इसका लास्ट डेट दिया गया है 18/9/2020 तक ये जाने वाला है। इसका लास्ट डेट आपका 18/9/2020, मतलब इसका आप करीबन अब 2-3 महीने डीबी चलेगा, उसके बाद से ही ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तब कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि रेलवे का जो भी कार्य है सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप लोगों को सिकंदराबाद का आ ही चुका है, बहुत लोगों का आ रहा है, जिन लोगों का नहीं आया उनका कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग NER गोरखपुर से भरे हैं वो वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा, ताकि जो भी आए का इन्फॉर्मेशन आता है आपको वीडियो के माध्यम से।